नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एचपी कॉटन मिल्स स्टॉक के बारे में। एचपी कॉटन मिल ये कंपनी है जो कॉटन बनाती है, यार्न फैब्रिक रेशे के जो कारोबार करने वाली कंपनी है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा लगातार फेवर में स्टॉक, सारे के सारे यार्न स्टॉक्स फेवर में बने हुए हैं। इसके Q4 के नंबर आ गए, नंबर बहुत ही दमदार है। ये कंपनी आप जानते हैं छोटी सी कंपनी है जो कि BSE पर लिस्टेड है, NSE पर लिस्टेड नहीं है। इसके नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। एक वीक में आप बताऊँ स्टॉक ऑलरेडी 60% के रिटर्न दे चुका है। CMP मात्र इसका 87 रुपये का चल रहा है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आप यहाँ देख सकते हैं HP थ्रेड्स ने जो नंबर्स अपलोड किए हैं आज की डेट में 9 जून 2021 को, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग HP कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो देखिए नंबर मैंने HP मिल के नंबर ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करूंगा, तो दिसंबर 2020 से मार्च 2021 को अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी की आय काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। सारा अमाउंट जो है लाखों रुपयों में दे रखा है, 2367 लाख यानी 23 करोड़ 67 लाख। इससे बढ़कर कंपनी की जो इनकम है, टोटल इनकम आपको 31 करोड़ 50 लाख आते हुए देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं आपको सारे के टैक्सेस एक्सपेंसेस निकालने के बाद प्रॉफिट की बात करूं सीधे, तो आप देख सकते हैं कंपनी में हल्की सी जो है प्रॉफिट में आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। 11 करोड़ 70 लाख से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा घटकर 10 करोड़ आते हुए देखने को मिलेगा। वहीं अगर पिछले साल के मार्च क्वार्टर से इस साल के मार्च क्वार्टर यानी 20 के मार्च क्वार्टर से 21 के मार्च क्वार्टर को कंपेयर करता हूँ तो आय आपको बढ़ती हुई दिखेगी। 24 करोड़ 98 लाख जो इनका क्वार्टर नेट इनकम थी पिछले क्वार्टर में, वही आपको बढ़कर 31 करोड़ 50 लाख आते हुए देखने को मिलेगी। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँगा, नेट प्रॉफिट में आपको अच्छा जंप दिखेगा, 8 करोड़ 90 लाख से आपको इनका प्रॉफिट बढ़कर 10 करोड़ आते हुए देखने को मिलेगा। वहीं आपको साल दर साल कंपेयर करूँ तो ईयर 2019-20 से ईयर 2020-21 में कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आय में भी काफ़ी अच्छी बढ़त आपको दिखेगी। 83 करोड़ 67 लाख से आपको आय बढ़कर 97 करोड़ 89 लाख आती हुई देखने को मिलेगी। वहीं अगर सीधे सीधे प्रॉफिट की बात करूँ, साल दर साल आधार पर कंपनी ने काफ़ी गजब प्रॉफिट किया है। 34 लाख जो मात्र इसका एक प्रॉफिट था पिछले साल ईयर 2019-20 में, वो बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख आते हुए देखने को मिलेगा, यानी 34 लाख से 3 करोड़ 60 लाख आता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ आपको दिखेगी। और वहीं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर टू क्वार्टर में आपको हल्की सी गिरावट दिखेगी, 3.06 रुपये से इनकी EPS घटकर 2.62 रुपये दिखेगी। वहीं पिछले साल से कंपेयर करूँगा, 2.33 रुपये से 2.62 रुपये दिखेगी। और वहीं अगर साल दर साल की बात करूँ तो बहुत ही शानदार जंप इन्होंने EPS में लगाया, 90 पैसे मात्र EPS जो कंपनी ने किया था ईयर 2019-20 में, वो बढ़कर आपको 9.46 रुपये आते हुए देखने को मिलेगा, यानी करीब 9 से 10 गुना का बढ़त यहाँ EPS में कंपनी ने दर्ज किया है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इस कंपनी के जो है चार्ट का हिस्ट्री दिखा देता हूँ। 16% का आज कंपनी ने दमदार रिटर्न दिया है। आज के दिन में कंपनी 12 रुपये स्टॉक चला है, 86 के 80 पैसा के प्राइस पे क्लोज हुआ है। 16% की बढ़िया रिटर्न आज के दिन में स्टॉक ने दी है। 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक 60% की दौड़ लगा चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्टॉक को हल्का समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं। कोई स्टॉक ऐसा होता है जो बहुत ही कम चर्चा में आता है लेकिन वो अपने आप में बहुत दमदार होता है। जैसे कि ये स्टॉक है, ये BSE पर लिस्टेड है और बहुत ही कम चर्चा में आता है। HP कॉटन का नाम हो सकता है बहुत लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन 5 दिनों में 60% कोई स्टॉक रिटर्न दे रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। वहीं अगर मंथली चार्ट पर दिखाऊँ तो आपको 73% के दमदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। 6 महीने के चार्ट पे आप सोच सकते हो कि 213% यानी ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा स्टॉक सिर्फ 6 महीने में हो चुका है। इससे ज़्यादा कोई स्टॉक में एक्सपेक्ट कर भी जा सकता है। 140% का रिटर्न आपको ईयर डेट पे दिखेगा। वहीं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो जो है 437% यानी 4.3 गुना ये स्टॉक हो चुका है। 1,04,30,000 ये स्टॉक एक ही साल में बना चुका है। एक साल पहले इसका प्राइस जो सिर्फ 16 रुपये का हुआ करता था, आज 86 रुपीज़ का आप CMP स्टॉक का यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए डेली चार्ट मैंने HP कॉटन का ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव दिखेगा और पिछले 5 से 7 दिनों में लगातार स्टॉक 50 रुपये के लेवल से 87 रुपीज़ के लेवल पर पहुँच चुका है। वहीं आपको अगले वीकली चार्ट में आपको दिखाऊँ, वीकली चार्ट पर भी आपको ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही दिखाई देगा और आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पर स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई जो 2016 का हुआ करता था
77 रुपीज़ का इसको तोड़ के ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। काफ़ी बढ़िया तेज़ी इस स्टॉक में बनी है। 77 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई था 2015 का, उसके ऊपर स्टॉक ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। वही अगर मंथली चार्ट दिखाऊंगा तब भी आपको कोई हर्डल दिखाई नहीं देगी सिवाय इस एक हर्डल के, जो कि स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। तो 77 के प्राइस पे एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक के लिए काम करेगा। और कल जिन लोगों ने नीचे के स्तरों पर ले रखा है, बहुत ही कम चर्चित स्टॉक है, फिर भी अगर किसी ने ले रखा है तो इसे आराम से होल्ड करिए। आने वाले दिनों में आपको ये 100 से ऊपर के टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। और डिपेंड करता है कि जो यान के स्टॉक्स हैं इनमें वो किस प्रकार की तेज़ी आगे बनती है। Q1 से लेकर कम से कम Q2 के नंबर्स के लिए इन जो है इस स्टॉक को, यान फैब्रिक और जो रेशे धागे ये कंपनियाँ बनाती हैं, इसको ज़रूर आप होल्ड करें अगले कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए, तो आपको और बढ़िया यहाँ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जो लोग यहाँ नया ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्री मार्केट पे देखना होगा कि इन नंबर्स को जो है कि किस प्रकार से मार्केट ट्रेड करता है। कल यहाँ आवश्यकता आपको गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलेगी। इस कंपनी के नंबर मार्केट के बाद आए थे इसलिए कल के डेट में फिर यहाँ पर आपको इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। यानी स्टॉक आज 16% चल चुका है, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, लेकिन कल 2 से 3% की बढ़त यहाँ आपको संभवतः आते हुए देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट की कंडीशन ठीक होती है तब ये बढ़त आपको दिखेगी, अदरवाइज मार्केट करेक्ट होता है तो हो सकता है ये स्टॉक भी थोड़ा सा करेक्शन कुछ आपको 2 से 5 दिनों में करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया आपको प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शॉर्ट में जानकारी HP कॉटन के बारे में आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।